कोविड-19 महामारी ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां पैदा की है, खासकर रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में। आज के इस शो में हम बात करेंगे शिक्षा की। लगभग पिछले 1.5 सालों से स्कूल बंद है, जहां शहरी स्कूल ऑनलाइन व्यवस्था अपनाने की जद्दोजहद कर रही है, वहीं ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के स्कूलों में बुनियादी संसाधन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। सामुदायिक मुद्दों पर आधारित शो आवाज हो बुलंद में मैं शबनम आप सभी का स्वागत करती हूं। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा को कोरोना काल में एक मजबूरी के रूप में देखा जा रहा है। फिजिकल स्कूल और क्लासेस की कोई तुलना नहीं है। सीखने के स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा स्कूली कक्षा की जगह नहीं ले सकती है। वर्चुअल पढ़ाई के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच का फर्क और गहरा हो गया है। इस फर्क को डिजिटल डिवाइड कहा जा रहा है। डिजिटल डिवाइड लोगों के बीच का वो फासला है जो इंटरनेट की उपलब्धता से जुड़ा है। डिजिटल लर्निंग डिजिटल डिवाइड यानी फर्क बढ़ा रही है। मुंबई जैसे महानगर के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की हालत भी कुछ लगा नहीं है। एक ही मोबाइल है तो उसमें हम बहनें 6 हैं, बट एक नहीं पढ़ती है। 5 हैं तो 5 लेक्चर होता है ना हम लोग का, तो हम लोग बराबर से लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो समय पे मेरी बहन का लेक्चर रहता है उस टाइम पे मेरा भी लेक्चर रहता है, इसलिए हमें बहुत प्रॉब्लम होती है लेक्चर अटेंड करने में। लड़के लड़कियाँ दोनों भी उस घर में, तो सबसे ज़्यादा मोबाइल किसको दिया जाता है? लड़के को। क्यों ऐसा होता होगा? क्योंकि बोलते हैं कि लड़के पढ़ेंगे तो, मतलब लड़की पढ़ेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने, घर पे रह के चूल्हा यही सब करना है, और लड़के पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, सबका यही कहना है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का अनुमान है कि आने वाले 10 सालों में 13 मिलियन से भी ज्यादा लड़कियों की कम उम्र में शादी करवा दी जाएगी। गौर करें कि ये आंकड़ा उस आंकड़े से अलग है जो बताता है कि कोरोना से पहले भी कितनी लड़कियां गर्ल चाइल्ड मैरिज का शिकार होती रही हैं। चाइल्ड मैरिज के अलावा ट्रैफिकिंग और बाल मजदूरी की समस्या बढ़ने के अनुमान है। আমাদের ভাইরাসের জন্য তো পড়াশোনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তো তার ফলে স্কুল যাওয়া বন্ধ হওয়ার ফলে এই তোমার বাল্যবিবাহ, মানে শিশু পাচারকারী, এসব তো সব আবার এ হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বাবা মা বাড়ি থেকে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে, কারণ আমাদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বাড়িতে থেকে কী করবি, বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তো পড়াশোনার তো খুব ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। আর এই যে 2020 থেকে যে লকডাউন হচ্ছে, তার মধ্যে তো আমরা একদিনও স্কুলে যেতে পারিনি, তো খুব সমস্যা হচ্ছে। অনলাইনে কিংবা কনফারেন্স কলে ক্লাস করলে ঠিকভাবে বুঝতে পারি না, পুনরায় আবার ম্যাম স্যার ম্যাডামদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তারা ঠিকঠাক বলতে চান না। আর স্কুলে সামনাসামনি যেভাবে সব কিছু বুঝতে পারতাম সেটা এখন বুঝতে পারছি না। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में शहरों में 53% पुरुष और 47% महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 58% पुरुषों की तुलना में महज 42% महिलाएं ही इंटरनेट का उपयोग करती हैं। ऐसे में ये स्पष्ट है कि स्मार्टफोन और इंटरनेट उपलब्ध कराना अधिक मुश्किल है। माँ बाप बहुत जागरूक हैं, टीचर भी बहुत जागरूक हैं। अपना स्कूल में देखिए, हम लोग आज शनिवार है, यूज़ कराते हैं, सभी बच्चों को बोलते हैं कि एंड्रॉइड मोबाइल, लेकिन हर बच्चे पर, हर गार्जियन के पास एंड्रॉइड मोबाइल उपलब्ध नहीं है। आज बच्चे रुचि नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल से तो बहुत कम ही बच्चे पढ़ पाते हैं, और ये पढ़ाई में बाधित हो रहा है कि आगे चल करके 1 साल की पढ़ाई तो इन लोग का पूरा चौपट कर दिया गया कोविड में। जो लड़कियां गाँव में है, पहाड़ों पर है, या किसी भी दूर दराज के ऐसे इलाके में है जहां बिजली इंटरनेट नहीं होता, वहां पढ़ाई नहीं हो सकेगी। ऐसी हालतों में शिक्षा और उसमें भी लड़कियों की पढ़ाई सबसे ज्यादा खतरे में है। ग्रामीण और आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों की लड़कियां पहले से इस जद में हैं। कोरोना जुगर स्कूल बंद अच्छी से स्कूल घरे কি রোচ তুমি মা ভাই মু যে তুম পাখে স্মার্টফোন অছি নাই মো মা তো একা মো বাপা নাহান্তি আউ মো মা কাম করছেন একা বিমস কাম
आउ आमे खाइबु ना मोबाइल स्मार्टफोन किनि के देबा हम। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के रामनगर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सारंगडी के प्रधाना अध्यापक से और समझने का प्रयास करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई में उन्हें किस तरह की चुनौतियां आ रही है। कक्षा शिक्षण और ऑनलाइन में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो मानसिक लेवल उनका बहुत डाउन है, इसलिए वो उनका जो अधिगम स्तर है वो उतना अच्छा नहीं बन पा रहा। ज्यादातर गार्जियन के पास जो मोबाइल है वो एंड्राइड सेट नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे हमारे जो है ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। दूरदर्शन पे जो कार्यक्रम आ रहे हैं वो नियमित रूप से देखें। इसके अलावा जिसके पास टीवी भी नहीं उपलब्ध है, उनके लिए निर्देश है कि आकाशवाणी पे जो कार्यक्रम विद्यालय से संबंधित चलाए जा रहे हैं उसको वो देखें, जिससे कि कुछ न कुछ उनको जो है नई चीज मिलती है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दक्षिण 24 परगना जिले के देवीपुर ब्लॉक के पूर्णिमा नायक जैसी अनेक बच्चियां पढ़ाई छोड़कर बाल मजदूरी की ओर जा रहे थे। आर्थिक स्थिति खराब होने से इन बेटियों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। सामुदायिक संवाददाता कृष्ण मंडल ने इन सभी छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ बैठक की और स्कूल शिक्षक से बात करने के बाद स्कूल छोड़ने वाले 15 छात्रों को फिर से स्कूल में दाखिला दिलाया। দেউলবাড়ি দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দেউলবাড়ি গ্রামে আমি সার্ভে করে দেখলাম যে অনেকগুলো শিশু আছে যারা স্কুল ড্রপ আউট। তো তাদের নিয়ে আমি অ্যাওয়ারনেস করলাম এবং হোম ভিজিট করলাম, তাদের মা বাবাদের বোঝালাম এবং বুঝিয়ে তাদেরকে আবার স্কুলমুখী করতে সক্ষম হলাম। কৃষ্ণ মণ্ডল, আমার অভাবের কারণে আমার মেয়ে পড়াতে পারছে না, উদাহরণ উনি এসে মিটিং করে আমরা সেই ওনার যোগাযোগ করে আমরা আমাকে মেয়েকে ওনার হাতে ভর্তি করে দিলাম। তো বিষয়টা কেবলমাত্র আমার স্কুলেরই সমস্যা নয়, এটা থ্রুআউট ওয়েস্ট বেঙ্গল, বিশেষ করে রুরাল এরিয়াজে ছেলেরা তারা ড্রপ আউট হওয়ার একটা প্রবণতা, এবং এটা যে সাম্প্রতিক সময়ে এই ড্রপ আউট হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে তা নয়, এটা বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই বা আবহমান কাল ধরেই বলা যেতে পারে এই ড্রপ আউটের প্রবণতা আছে। যে ফ্যামিলি ইনকাম রয়েছে সেটা দিয়ে এরা সারা বছর চালাতে পারে না, তার ফলে পড়াশোনার যে ন্যূনতম খরচটা বহন করার ক্ষেত্রেও তার বাবা মায়েরা পেরে ওঠে না বা অভিভাবকরা পেরে ওঠেন না, সেই জন্য হয়তো ওই ছেলেটাকে চাইল্ড লেবারও হয়ে যেতে হচ্ছে কোনো কোনো সময়। আমার খুব ভালো লাগছে যে আমাকে ফোন করেছিল কৃষ্ণা মণ্ডল, ভিডিও ভলেন্টিয়ার্স একজন, তো সে ফোন করেই আমার কাছে এসছে। আমি এবং দায়িত্ব নিয়ে তারা এই ড্রপ আউট কালেক্ট করছে বিভিন্ন জায়গা থেকে, আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং আগামীতে তাদের এই প্রকল্প আরও আরও বেশি সাফল্যমণ্ডিত। लड़कियों का हाल में ही सभी स्कूली परीक्षाओं में अव्वल प्रदर्शन रहा है। कहते हैं कि अंधेरा छटने के बाद उजाला आता है और उसी उजाले के उम्मीद में देश के लाखों बच्चे हैं जो फिर से स्कूल लौटना चाहते हैं। कोरोना काल सभी के लिए एक सबक के तौर पर है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा निवेश और बेहतर संसाधनों की जरूरत को बतलाता है। इस वीडियो में दिखाए सभी मुद्दों पर बने पूरे वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाएं। मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नए ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ, तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें।